आज हमारी मम्मा हमारे लिए गोलगप्पे बना रही है। आइए हमारे साथ बने रहेगा हमारे ब्लॉग में हमारे साथ। हेलो फ्रेंड्स, आरती जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं पानी पूरी, और वो भी एकदम झटपट। चलिए आप सभी को भी बताते हैं कि एकदम झटपट पानी पूरी कैसे बनाई जा सकती है। सबसे पहले पानी पूरी बनाने के लिए हमें जो सामान चाहिए वो मैं आपको दिखाती हूँ। हमें सबसे पहले चाहिए पूरी बनाने के लिए ये चिप्स। इनसे पूरी एकदम क्रिस्पी बनती हैं, बहुत ही टेस्टी भी लगती हैं, अच्छी बनती हैं। और दूसरी चीज़ हमें चाहिए जलजीरा पाउडर। आप चाहो तो पानी पूरी पाउडर आता है और भी कई तरीके के आते हैं, ले सकते हो। मेरे पास ये था तो मैं इससे बना रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे हम पानी। उसके लिए पहले बर्तन लेना है और ठंडा पानी लेना है। उसके बाद इसमें बर्तन में हमें पानी को भरना है। जितने लोगों के हिसाब से चाहिए आप उतने हिसाब से पानी अपना कर सकते हो। चलिए पानी हमने कर लिया है। उसके बाद में हमें डालना है अपना पाउडर। चलिए तो इसमें हम मसाला पाउडर डालते हैं, एक चम्मच, दो चम्मच और ये तीन चम्मच, थोड़ा सा और डाल देते हैं, काफ़ी रहेगा। हमने जलजीरा डाल के पाउडर उसको अच्छे से मिला लिया है। अब उसके बाद हमें लेनी है थोड़ी सी हरी मिर्च। अब देखते हैं, हरी मिर्च हमको लगभग 3 से 4 हम हरी मिर्च ले सकते हैं। और उसको इसमें अदरक कूटने वाले खल्लर में डाल के इसको दरदरा सा पीसना है। इसको हल्के हल्के हाथ से हमें कूटना है। और उसके बाद देखते हैं, अभी थोड़ा सा और कर लेते हैं। अब एकदम परफेक्ट है। चलिए हरी मिर्ची। उसके बाद थोड़े से हमें, अगर आपके पास ग्रीन कलर का है, ग्रीन पुदीना है, अब हमें लेने हैं पुदीना। आपके पास जैसा हो, हरा पुदीना है तो आप हरा डाल सकते हो। मेरे पास ये सूखा है तो इसको हल्का सा बस थोड़ा सा ऐसे करना है, मिलना है। और उसके बाद हमें ये इसमें मिला देना है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। और दूसरी चीज़ हमें डालनी है थोड़ी सी हींग, एक चुटकी, थोड़ा सा डालना है हमें काला नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। वैसे पाउडर में सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चाहिए तो आप डाल सकते हो, क्योंकि हमने हरी मिर्च डाली है तो उसकी वजह से थोड़ा नमक भी अच्छा लगेगा डालने में। तो दूसरी चीज़ जो इसको कंप्लीट करेगी वो है बूंदी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें थोड़ा सा एक बोल में पानी लेना है, थोड़ी सी बूंदी लेनी है और ये उसमें डाल देनी है, ताकि इससे इसकी सारी जो जितना भी ऑयल है इसके अंदर वो पानी में ही निकल जाए, ताकि वो अजीब टेस्ट ना दे। इसको ऐसे करके 5 मिनट के लिए रख देना है उठा के। अब चलिए अब हम करते हैं अपने आगे की प्रोसेस। सबसे पहले अब हमें लेनी है कढ़ाई। कढ़ाई को रखना है गैस पे, फ्लेम ऑन करनी है हमें। उसके बाद हमें डालना है ऑयल, रिफाइंड ऑयल इसमें डाल देना, बस इतना काफ़ी रहेगा। ये हमने कर दिया है रिफाइंड। अब बस इसको थोड़ा गर्म होने के लिए छोड़ना है। 2 से 3 मिनट में ये गर्म हो जाएगा, फिर हम अपना चिप्स को तलना शुरू करेंगे। तेल हो चुका है हमारा गर्म, तो चलिए इसको तलते हैं। थोड़े से लेने हैं, धीरे से डालने हैं। और ये देखिए ये बनने लगे हैं। कर दीजिए फ्लेम, कर दीजिए काम। और ये देखिए
ये बन के हो गए हैं तैयार। देखा कितनी जल्दी से बन गए ये। अब हमें थोड़े और लेके डालने हैं। ये देखिए, इनको पलटना नहीं है, सिर्फ इनको एक ही साइड से तलना होता है। बस ऐसे ही इनको हल्के हाथ से चलाते रहिए और जो थोड़ी नहीं वैसे हो रहे हैं उनको हल्का सा पलट दो, बस ज़्यादा नहीं पलटना। ये भी हो गए हमारे तैयार एकदम। ये देखिए, इनको बनाना बहुत इजी है और बहुत टेस्टी भी लगते हैं ये खाने में। अब ये लास्ट सारे इसमें डाल देने हैं। ये देखिए, चला के अच्छे से बस बनाना है। और ये देखिए कैसे लग रहे हैं। ये भी हो गए, ये हो गए हमारे कंप्लीट। गैस फ्लेम कर दो बंद। ये अब करते हैं हम इनको सर्व। चलिए गोलगप्पे हमारे बन गए हैं और अब हम उसका पानी को बिल्कुल तैयार करते हैं। तो थोड़ा सा भुजा हुआ जीरा लिया है मैंने, उसको अच्छे से ऐसे रब किया है, इसको मैंने मिला दिया है। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और जो हमारी बूंदी थी वो भी एकदम तैयार है। अब इनको ऐसे लेना है, हल्का सा दबाना है, इनको डालना है। ये देखिए, हल्के हाथ से ही इनको दबाना है, ज़्यादा नहीं दबाना है, बस इनका हल्का पानी निकल जाए। चिकनाई जो है वो देखिए कितनी निकली है, इसको कर देना है साइड। और ये लीजिए, ये हो गई हमारा पानी एकदम तैयार। चलिए अब आपको मैं फाइनल इसका करके इसको दिखाती हूँ। रुकना, टन टड़ा। ये देखिए तो कैसी लगी आपको हमारी गोलगप्पे पानी पूरी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियो को, कमेंट करिए। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये कैसे हैं। आइए सब लोग खाते हैं। हाँ कैसे हैं? ये रही आरुष खाना। कैसे लगी आरुष? मम्मा ने बनाए खाने, आप बताओ कैसे लगे? चलो दोस्तों को बताओ, सबको आप क्या कर रहे हो, सबको बताओ, आप भी खाओ। आप भी खाओ। मज़ा आ रहा है। हाय फ्रेंड, अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा तो फिर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और नीचे जो बटन है उसे भी दबा दें और लाइक भी कर दिएगा। अगर लाइक करा नहीं हो तो फिर कर दिएगा। बाय फ्रेंड।